सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् कृत्यो वृक्षयमावृतात् सुगंधिं पुष्टिं वर्धना उर्वारुकमिव वंदना कृत्यो वृक्षयमावृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धना उर्वारुकमिव वंदना।
क्षयमावृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धना उर्वारुकमिव वन्दना कृत्यो क्षयमावृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धना उर्वारुकमिव वन्दना कृत्यो क्षयमावृतात्। सुगन्धिं पुष्टिं वर्धना उर्वारुकमिव वन्दना कृत्यो वृक्षयमावृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धना उर्वारुकमिव वन्दना कृत्यो वृक्षयमावृतात्। ॐ
सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्यो वृक्षयमावृतात् सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्यो वृक्षयमावृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्यो वृक्षयमावृतात् लग रहा है। और यहाँ की बहुत सारी मूर्तियाँ देखने के लिए मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान दर्शन दे रहे हैं। और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आए हैं। एक घंटे से यहीं पे हम घूम रहे हैं और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ से जाए। अपने मोबाइल में भी हमने बहुत सारी यादें यहाँ पर बसाई है ताकि वहाँ जा के लोगों को बताए। निकिता पाटीदार। हम लोग झाबुआ ज़िले के पेटलाव तहसील से आए हैं और जब से यहाँ पे हमने देखा, न्यूज़ मिली, लोकार्पण हुआ यहाँ पे मोदी जी के द्वारा, उसके बाद हमको यहाँ पे जो वीडियो और फोटोज़ देखे थे तो हमको बहुत ललक जगी कि इतना भव्य सुंदर बनाया है। तो हम वैसे पहले भी आते रहते हैं महाकाल के दर्शन के लिए,
लेकिन अभी दर्शन भी हो गए और यहाँ पे आके देखा तो वाकई में जो यहाँ का निर्माण हुआ है बहुत ही अच्छा निर्माण हुआ है, ज़बरदस्त निर्माण हुआ है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा दिव्यता, और ऐसा लग रहा है कि साक्षात अपन पूरा शिवलोक में आ गए हैं। भगवान की सारी मूर्तियाँ वगैरह बिल्कुल बनाई हुई है ऐसी, बहुत अच्छा निर्माण करा है। संजय पाटीदार, यहाँ हम महाकाल लोक में घूमने के लिए आए हैं। बहुत ही अलौकिक और अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। महाकाल की इस नगरी में जो मोदी जी के सहयोग से प्रदेश सरकार ने जो ये महाकाल लोक का निर्माण किया है, बहुत ही ज़्यादा अलौकिक और भव्य है। यहाँ कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग एक टाइम में बने हुए हैं, सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक। मैं भी आज यहाँ मेरी भतीजी के साथ घूमने के लिए आया हूँ। पूरा घूमने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय चाहिए। अद्भुत यहाँ के नज़ारे, एक से एक इनने सेल्फी पॉइंट वगैरह दे रखे हैं, जिसमें आने वाला हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इसको अपने कैमरे में कैद करना चाहता है, तो मोबाइल में हर अपने परिवार के साथ हर व्यक्ति कहीं ना कहीं फ़ोटो खींचना चाहता है और इसको अपने कैमरे में कैद करके अपने परिवार वालों को दिखाना चाहता है। इसलिए रोज़ कहीं ना कहीं यहाँ 2 से 3 हज़ार की भीड़ कंटिन्यू बनी हुई रहती है। विनोद शर्मा, एडवोकेट। मेरा नाम मंजू है। महाकाल मंदिर पे मेरी कुर्ते की दुकान है और यहाँ पे जब से ये महाकाल लोक बना है, जब से श्रद्धालु लोग बहुत आ रहे हैं और वाकई में आनंद पूर्वक चीज़ बनी है। मोदी जी ने कुछ सोच समझ के ये चीज़ बनाई है तो सबको इसमें बहुत आनंद आ रहा है। हम लोगों को भी बहुत अच्छा है कि बाहर की मतलब पब्लिक आ रही है, दर्शन कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु बढ़े, यहाँ पर दर्शन करें, आनंद लें यहाँ का महाकाल नगरी का। मंजू, महाकाल मंदिर का जो महाकाल लोक बना है वो बहुत ही भव्य रूप में बना है। यहाँ पर भक्तों की संख्या बढ़ चुकी है बहुत। अंदर घूमने में मतलब यात्री आ रहे हैं, उनको 3-3 घंटे का समय लग रहा है। मेरे यहाँ दुकान है महाकाल मंदिर के बाहर, व्यापार में भी फर्क पड़ा है, व्यापार भी अच्छा हुआ है यहाँ पर, और यात्रियों के बढ़ने की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मेरा भक्ति भंडार का व्यापार है ये, और इसमें भी बाहर के यात्री जो आ रहे हैं वो अच्छा सामान ले रहे हैं, बढ़ता जा रहा है सब। यहाँ का व्यापार भी बढ़ रहा है, यहाँ पर यात्री बढ़ रहे हैं, बहुत सारी सुविधा, और दूसरा फेस और चालू होने वाला, उससे और भव्य रूप हो जाएगा महाकाल कॉरिडोर का। आपका नाम? मेरा कुश शाह।